हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में पर्यटकों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नालागढ़ स्वारघाट नेशनल हाईवे पर झीड़ीवाला के पास दो वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 9 पर्यटक घायल हो गए। ये पर्यटक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के निवासी हैं, जो कि मनाली घूमने गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC नालागढ़ पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 5 पर्यटकों की हालत गंभीर बताकर उन्हें PGI रेफर कर दिया है, जबकि अन्य को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे पेश आया। यहां नालागढ़ की ओर से टैंकर स्वारघाट की तरफ जा रहा था। झीड़ीवाला के समीप गलत दिशा से टेम्पो ट्रैवलर आ रही थी। इस दौरान दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। ये पर्यटक मनाली से घूमने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। घायलों की पहचान आशीष गुप्ता चालक, भव्या निवासी दिल्ली, हर्षिता निवासी दिल्ली, तुषार निवासी हरियाणा, जयराम निवासी राजस्थान, प्रियंका निवासी हरियाणा, नमन निवासी दिल्ली, रोनित निवासी हरियाणा और अभिजीत निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। थाना नालागढ़ पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।